हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल एमजी एंटरटेनमेंट। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी लुक्रेटिव एंड क्रूशियल फॉर एवरी लर्नर हु हैज टेकन एडमिशन इन एनआईओएस। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू टेक फ्रेश एडमिशन इन एनआईओएस एंड यू वांट टू स्कोर वेल, यू नीड अ स्ट्रेटजी। So, if you want to know the strategy by which you can score excellent marks in your exam, watch this video very carefully. And I guarantee you, if you understand the summarization of marks, you can score excellent marks in one go. So, without any further delay, let me take you to my class and there I make you understand how it is possible. हाई, वेलकम टू माई क्लास। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं, जो NIOS के 10th या 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे बताते हैं कि सर हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, हमें ये समझ में नहीं आता कि हमारे कौन से प्रैक्टिकल्स हैं, कौन से थ्योरी हैं। और अगर आप प्रैक्टिकल एंड थ्योरी को गूगल पे सर्च करके आप आराम से जानकारी ले भी लेते हो, तो भी आपको ये नहीं पता चल पाता आपकी मार्कशीट को देखकर या किसी स्टूडेंट की मार्कशीट को देखकर कि NIOS बोर्ड आखिर मार्क्स कैसे डिसाइड करता है एक बच्चे के। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और आज मैं आपके दिमाग में से वो सभी डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि NIOS बोर्ड एक्चुअली आपको मार्क्स कैसे समराइज करके देता है, राइट। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो के एंड में मैं एक बात और बताऊंगा, जिससे कि अगर आप NIOS बोर्ड के एग्जाम्स में एक्सेलेंट मार्क्स लाना चाहते हैं, वो भी अप्रैल 2022 के अंदर, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, मैं वो भी बताऊंगा। और वो टिप और वो ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला हूं ना दोस्तों, आप एक ही बार में NIOS बोर्ड के अंदर पूरा 10th या 12th क्लियर करके ही बाहर आओगे और आप याद करोगे मुझे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं क्या है इसका पूरा प्लान, कि ये मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए कि आखिर ये चार्ट किस चीज के ऊपर है, राइट। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिखे हैं सारे सब्जेक्ट्स, यहाँ पे एग्जाम के मार्क्स हैं, सब्जेक्ट लिखे हैं। मैंने एग्जाम्पल में सिर्फ तीन सब्जेक्ट्स लिए हैं जो कि थोड़े से डिफरेंट होते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसका एग्जाम होता है 85 मार्क्स का, फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। उसके बाद यहाँ पर डेटा एंट्री दे रखा है, 40 मार्क्स का होता है, और पेंटिंग का 30 मार्क्स का होता है, राइट। यहाँ पर मैंने थ्योरी बता रखा है, राइट। थ्योरी कितने मार्क्स का होता है ये आज हम क्लियर करेंगे, और आज ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी सब्जेक्ट की थ्योरी निकालनी हो आराम से आप निकाल लोगे। और यहाँ पे TMA के मार्क्स कैसे अपडेट होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है TMA के मार्क्स हर बच्चे को पता है 20 मार्क्स का होता है, लेकिन दोस्तों एक्चुअली ये 20 मार्क्स का नहीं होता। जब आपकी रिपोर्ट कार्ड तैयार होती है तो वहां पर कुछ मार्क्स में से परसेंटेज या वेटेज निकाला जाता है, आज मैं इस वीडियो के अंदर वो वेटेज भी आपको बताने वाला हूं। तो TMA के मार्क्स यहां पर किस तरह से आते हैं मैं आपको बताऊंगा, और यहां पर बात करते हैं प्रैक्टिकल्स की। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक थ्योरी में, TMA में और प्रैक्टिकल में कंप्लीट पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स की जरूरत होती है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा सा लेंथी होगा लेकिन आपके काम आएगा जिंदगी भर, राइट। देखिए आप जरा ध्यान से, सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर एग्जाम के मार्क्स की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेते हैं सबसे पहले, ये 85 मार्क्स का इसका एग्जाम होता है। अब यहां पर सबसे पहले हम निकालेंगे थ्योरी। तो अगर हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की थ्योरी निकालनी है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 85 का 80% का वेटेज निकालना पड़ेगा। अब ये देखिए 85 का वेटेज कितना होगा 80% का, तो यहां पर आपको कैलकुलेट करना है 8 8 64 एंड 8 5 40, यानी कि आपका जो थ्योरी होगा वो 68 मार्क्स का होगा एक्चुअली। क्लियर हो गया बिल्कुल, यानी कि हमने 85 का 80% निकाल लिया। 85 का 80% कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहले रखना है आपको 85 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 80 से, एंड उसको डिवाइड कर देंगे आप 100 से, तो आपका 68 आ जाएगा। तो यहां पर आपने 80% वेटेज निकाला 85 का, तो यहां पर थ्योरी आपका कितने का हुआ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, 68 मार्क्स का। चलिए अब TMA की तरफ चलाते हैं। आप TMA जब जमा करने जाते हो तो TMA जो होता है वो 20 मार्क्स का दिखाता है आपको, राइट। लेकिन यहां पर एक्चुअली TMA 20 मार्क्स का नहीं होता, आपकी रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स जो है वो थोड़े से कम होते हैं। कैसे TMA आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आपको करना है ये है कि 85 का आप 20% का वेटेज निकालोगे। तो 85 का 20% कितना होता है आप कैलकुलेट करके देखिए, 2 8 16 एंड 2 5 10, यानी कि आपका TMA हुआ 17 मार्क्स का, राइट। यानी कि 85 का अगर आप 20% निकालते हैं तो दैट इज 17, यानी कि आपका TMA एक्चुअली 17 मार्क्स का बनता है, किसका, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। अब प्रैक्टिकल कितने का हुआ, तो प्रैक्टिकल को समझने के लिए आपको क्या करना है, थ्योरी और TMA दोनों को प्लस कर दीजिए, राइट, और 100 में से लेस कर दीजिए, आपका प्रैक्टिकल निकल कर आ जाएगा, राइट। तो आप इसको जरा एक बार प्लस करके देखिए, तो यहां पर हम प्लस करते हैं इसको, तो ये हो गया 7 और 8, ये हो गया आपका 15, और 15 का यहां पर आया 5, राइट, और यहां पर आया 6 और 1 7 और 1 8, यानी कि 85 टोटल आया। अब 85 को क्या करोगे आप, 85 को 100 में से माइनस कर दो आप,
यानी कि 100 में से 85 को माइनस करेंगे, 68 और 17 दोनों को माइनस करेंगे, तो जो आपका आएगा वो आपका क्या होगा, वो आपका प्रैक्टिकल होगा। तो 85 कितने नंबर का प्रैक्टिकल हुआ आपका, टोटल 15 मार्क्स का, यानी कि आपका प्रैक्टिकल होता है 15 मार्क्स का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, राइट, और 17 मार्क्स का टीएमए होता है और 68 मार्क्स का इसका थ्योरी होता है, राइट। अब थ्योरी में क्या करना होता है, डेटा एंट्री का 40 मार्क्स का आपका होता है एग्जाम। अब 40 मार्क्स का 80% कितना निकालेंगे, तो 8 चौक 32 यानी कि 8 4 जा 32, यानी कि आपका 32 मार्क्स का हो गया थ्योरी, राइट। डेटा एंट्री की बात कर रहे हैं हम, 32 मार्क्स का आपका हो जाता है थ्योरी। अब हम टीएमए की अगर बात करें तो 40 का 20% निकालेंगे तो कितना बनेगा वेटेज, यानी कि 4 2 जा 8, यानी कि 8 मार्क्स का आपका सिर्फ होता है टीएमए। यस, डेटा एंट्री के अंदर सिर्फ 8 मार्क्स का होता है टीएमए। और बात करते हैं प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल कितने का होगा, 32 और 8 कितने हो गए, दोनों को प्लस कर दो, 32 और 8 कितना हो गया 40, राइट। अब आपको 100 में से इसको लेस कर देना है, तो कितना बचा आपका 60, तो यानी कि 60 मार्क्स का आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। यहां पर कितने मार्क्स का था ये, यहां पर था ये 15 मार्क्स का। तो इस तरीके से आपको आइडिया लगाना है। तो चलिए लास्ट एंड फाइनल आपको बताते हैं पेंटिंग के बारे में। पेंटिंग का एग्जाम कितने मार्क्स का आता है, 30 मार्क्स का। अब इसका थ्योरी कितने का होगा, यानी कि थ्योरी यानी कि इसका वेटेज निकालेंगे तो 8 3 जा 24, यानी कि 24 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स होगा, 24 मार्क्स का। और इसका टीएमए कितने मार्क्स का होगा, टीएमए का निकालिए 3 2 जा 6, यानी कि टीएमए इसका 6 मार्क्स का होगा सिर्फ, राइट। एंड 24 प्लस 6 इज इक्वल टू हाउ मच, 30। सो आपका प्रैक्टिकल होता है 70 मार्क्स का। आई होप दोस्तों कि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहां पर हम एक सब्जेक्ट अगर हमें पता हो और हमें यह पता हो कि उसका फाइनल एग्जाम कितने मार्क्स का आता है, तो उसका हम 80% वेटेज निकालेंगे तो हमारा थ्योरी निकल जाता है, 20% वेटेज निकालेंगे तो टीएमए निकल जाता है, और दोनों को प्लस करके 100 में से माइनस कर दें तो हमारा प्रैक्टिकल निकल जाता है। तो दोस्तों यहां पर बिल्कुल क्लियर हो गया, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम थ्योरी, टीएमए और प्रैक्टिकल से मार्क्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं, यानी कि उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन यहां पर वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी बात मैं और बता देता हूं आपको कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं जिनका टीएमए 20 मार्क्स का ही होता है और उनका जो फाइनल मार्क्स होते हैं, यानी कि जो फाइनल आपका जो एग्जाम होता है वो होता है 80 मार्क्स का। दोनों को मिलाकर आपके 100 मार्क्स से नंबर मिल जाते हैं। यहां पर एक बात और बताना है आपको कि आप इसमें से कितने नंबर लाकर पास हो सकते हो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको सिंपल सा एक काम करना है, 68 को डिवाइड कर दीजिए 3 से, यानी कि हर एक को डिवाइड कर दीजिए 3 से, हर एक को डिवाइड करिए 3 से, आप सभी को डिवाइड कर दीजिए 3 से, जो भी आता है बस उतने मार्क्स में 3 मार्क्स या 2 मार्क्स एक्स्ट्रा आपको लेके आने हैं। फॉर एग्जांपल 17 में 17 का 3 अगर हिस्से करते हैं हम तो हमारा बनता है 5 3 15, यानी कि आप अगर यहां पर 7 या 8 मार्क्स लेके आते हैं, मार्क्स लाते हैं, तो आप हो जाते हैं पास, राइट। यहां पर 8 का 3 अगर डिवाइड करते हैं तो यानी यहां पर हो जाता है 3 समथिंग, यानी कि अगर यहां पर आप 3 या 4 मार्क्स भी लाते हैं तो आप जो है पास हो जाते हैं, यानी कि आप इसे पास कह सकते हैं। वैसे ही यहां पर 6 को डिवाइड करेंगे तो यहां पर अगर 2 मार्क्स अगर ले आते हैं तो भी आप यहां पर पास कहलाएंगे। अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है। अब 24 का 3 यानी कि हम यहां पर कह सकते हैं 7 3 21 होता है, तो 21 तक पहुंच गए, 22 23 24, यानी कि 8 3 24, यानी कि यहां पर अगर आप 8 मार्क्स ले आते हैं तो आप यहां पर पास हो जाते हैं। तो कोशिश, ये सिर्फ पासिंग बता रहा हूं, लाने नहीं है, लाने तो भाई पूरे हैं, और पूरे लाने की भी स्ट्रेटेजी एमजी एंटरटेनमेंट चैनल पे मिलाप गुप्ता बिल्कुल क्लियर आपको हर वीडियो के अंदर बताता है कि किस तरीके से आपके आ सकते हैं। अगर एनआईएमएस बोर्ड के अंदर आप पहली बार एडमिशन लिया है और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज कॉन्टैक्ट कीजिए, नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से फुल टू फुल मार्क्स आप एनआईएमएस बोर्ड के अंदर लेके आ सकते हैं, राइट। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर आप अप्रैल 2022 के स्टूडेंट हैं और अभी भी आपको नहीं पता कि आपकी एग्जाम्स की प्रेपरेशन कैसी है, क्योंकि दोस्तों अगर टीएमए और प्रैक्टिकल के अंदर नंबर सही नहीं आए तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, यहां पे आपको मार्क्स बहुत अच्छे लेके आने पड़ेंगे। अगर यहां पर मार्क्स आपके अच्छे नहीं आए तो दोस्तों आपके टीएमए और प्रैक्टिकल के मार्क्स सही नहीं हुए तो दोस्तों थ्योरी के अंदर आप अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे और उसकी वजह से आपका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव हो सकता है, यानी कि बी ग्रेड का हो सकता है, जो कि मैं कभी नहीं चाहूंगा। तो अगर आपको
प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई भी सॉल्यूशन चाहिए, टीएमए से रिलेटेड कोई भी सॉल्यूशन चाहिए, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे रखे हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और टीएमए बना सकते हैं। एक्सेलेंट टीएमए, एक्सेलेंट प्रैक्टिकल्स दे रखे हैं, फुल टू फुल मार्क्स की गारंटी मिलाप गुप्ता आपको देता है, राइट। और अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, एनआईएमएस रिटायर्ड टीचर्स द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो कि पिछले 7 साल से बार बार रिपीट हो रहे हैं और रेगुलर आ रहे हैं और जिन्हें पढ़ने के बाद बच्चा किसी कीमत पे 50% से कम मार्क्स तो ला ही नहीं सकता, इतनी बड़ी गारंटी अगर एनआईएमएस के रिटायर्ड टीचर्स देते हैं, तो वो पीडीएफ भी आप चाहें तो ले सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर है, कॉल करके अपने सब्जेक्ट बताइए और ले सकते हैं पीडीएफ। एक ही बार में आप अपने सारे सब्जेक्ट्स क्लियर करोगे और एनआईएमएस बोर्ड में इन वन गो, सिर्फ एक ही बार में आप अपनी 10th या 12th कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।